बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और ये है चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी बिल्कुल इजी। वी नो दैट द फोर एंगल्स, द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तीनों को प्लस कीजिए, 360 में से माइनस कीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आइए करना शुरू करते हैं। और इसकी तो मैंने यहाँ पर फिगर भी बना के रखी है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, ठीक है। वी नो दैट द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पर ए एल है बच्चों, यहाँ पर एज इक्वल 360, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल होगा 360 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर तो ए है हमारा 110 डिग्री, बी है हमारा 120 डिग्री, सी है एक्स और डी है 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो एक्स को इधर रख दीजिए, बाकी डिजिट को ऐड करते हैं। तो 0000 आ गई, 10 प्लस पे 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और 100 प्लेस पर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1, तो 2 आ गया, तो इज इक्वल 360 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 290 को इधर ले आना है, इधर आकर बच्चों ये हो जाता है माइनस में, जी हाँ, इस तरीके से इसको हम करेंगे और माइनस 290 इस तरीके से। अब 290 माइनस कीजिए, 0 में से 0 गई 0, और यहाँ पर 6 में से 9 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो लिया 16, 16 में से 9 माइनस किया तो आ गया बच्चों 7, ठीक है बच्चों, तो 70 डिग्री, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना इजी। आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके आपको एक्सपर्ट बन जाना है ताकि आपकी मार्क्स अच्छे आ सके, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।